नमस्कार, मैं पलक यादव, आप देख रहे हैं News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबर। आज दिनांक 16/9/2024 को सुबह 8:30 बजे से सुखदेव नगर वार्ड 31 की सारी गलियों में हैंडपंप वाली गली होते हुए ईद मिलादुन्नबी का जुलूस से मोहम्मदी निकाला गया। ईद मिलादुन्नबी की सभी को दिली मुबारक पेश की गई। इस मौके पर मौलाना अफसर आलम ने पार्षद मुन्ना मलिक का पगड़ी बांधकर स्वागत किया। पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी सभी को नेक राह पर चलने, गरीबों तथा जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा देता है। ये मुबारक दिन उनके बताए गए रास्तों पर वक्त करने का लम्हा है जिनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। हम यही कामना करते हैं कि पैगम्बर साहब का मन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम हम सभी की जिंदगी की रहनुमाई करे। समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष मुन्ना मलिक पार्षद ने सभी भाई बहनों से अपील की है कि वे मुल्क एवं सूबा उत्तर प्रदेश की खुशहाली व तरक्की के लिए दुआ करें और पैगम्बर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को अपनी जीवन में उतारें। हुए हैं कि हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मुहम्मदी जो मदरसा मदीनतुल उलूम और मदीना मस्जिद के सभी नमाजी हजरात निकालते हैं, हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से जुलूस मुहम्मदी में पूरे सुखदेव नगर के अहले सुन्नत और जमात के लोग शिरकत किए। हमारी जमात के अंजुमन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के नौजवान हजरात, मदरसा मदीनतुल उलूम के तमाम कमेटी और मदीना मस्जिद के सारे नमाजी हजरात और हमारे मुन्ना मलिक उस्मानी जो पार्षद हैं और असगर चौधरी साहब, हाजी माठ वाले और तमाम ही हजरात इसमें बड़े जोर शोर से शिरकत किए और जुलूस मुहम्मदी बड़े धूमधाम आला पैमाने के साथ पूरे सुखदेव नगर की गली गली में घूम कर जश्न मुहम्मदी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाया गया। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले सुबह शादी के वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन तशरीफ लाए। उसी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न आमद पर हम लोग खुशियाँ मनाते हैं और मनाते रहेंगे। पूरे सुखदेव नगर घूम कर हमारा जुलूस गली गली सुखदेव नगर के घूम कर यहाँ तक कि अम्बेडकर कॉलोनी में जाते हैं डॉक्टर अबरार और वहाँ साबरी मस्जिद तक हमारी हाजिरी होती है। फिर पूरे सुखदेव नगर घूम कर मदीना मस्जिद मदरसा मदीनतुल उलूम में जुलूस पूरा हो जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग सारे लोग और जुलूस में शिरकत करने वाले दुआ खैर करते हैं और यहाँ पर हमारा जुलूस मदीना मस्जिद में ख़त्म हो जाता है। और ये जुलूस जो है शान व शौकत और बड़े अदब व एहतराम के साथ हम लोग निकालते हैं, इंशाल्लाह हमेशा निकालते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।